आप जो आज पाकिस्तान स्वीट सेंटर पे खड़े हुए हैं, तो यहाँ के जो चीज़ें तलन हैं कैसी रहती है, उस बारे में ज़रा दर्शकों को बताएं। मेरा नाम सैयद अहमदुल्ला हुसैनी है और ये दुकान से हमारा ताल्लुक जो है 35-40 साल से ताल्लुकात है इससे, और चीज़ें जो है यहाँ बहुत सफाई से मिलती और बहुत लजीज मिलती। चिकन के रोल, चिकन के समोसे, वहाँ से जो टिकिया है, सारे स्वीट इनके बहुत लजीज और बहुत अच्छे हैं। और रमज़ान के मुनासिबत से जो चीज़ें मिलती यहाँ पूरी पूरी अवेलेबल है। और दुआएं करना अल्लाह सुबहाना ताला से कि इसको खैर बरकत दे और अल्लाह अच्छे फैसले फरमा दे। सही है सर, देखने में आता है कि जैसा रमज़ान का महीना आता है तो व्यापारी लोग जो है तो भाव बढ़ा देते हैं जी। अब आप यहाँ पाकिस्तान स्वीट सेंटर पे आए हुए हैं तो यहाँ रेट भाव का कैसा मामला है? जहाँ अच्छी चीज़ मिलती तो ग्राहक खुद जो है कई दूर से आता और 2 पैसे ज़्यादा देता, सफाई से और अच्छी लजीज चीज़ मिलती है तो देखने में आया है। यहाँ पर बहुत सी टिकिया समोसे की दुकान है, पर बिस्मिल्लाह स्वीट पे क्यों टिकिया समोसे खाने के लिए लोग आते हैं? यहाँ जो है इनका जो है इखलास मोहब्बत है लोगों से, और जो है जो चीज़ बनती पूरी अच्छी बनती है और पूरे क्वांटिटी में बनती, इसका वजह यही है। आप जो पाकिस्तान स्वीट पर आए हुए हैं जी, क्या खरीद रहे हैं आज? मैं जो है कुछ रोल खरीदूंगा, कुछ समोसे, कुछ स्वीट और कुछ चिकिया, और जो मुनासिबत है रमज़ान की उस चीज़ों से रोज़ लेके जाते हैं। आपकी दुकान है सिटी चौक में यहाँ पर जी, तो रमज़ान के मुनासिबत से इफ्तार के लिए क्या क्या सहूलतें हैं रोज़दारों के लिए? ज़्यादातर तो देखो समोसा टिकिया बहुत फेमस है हमारा। हम लोग जो समोसा बनाते तो हम लोग खीमा नहीं लाते, हम लोग कैसे गोश्त लाते, गोश्त ला के उसका खीमा करके बनाते, इसलिए कस्टमर को भरोसा है और बहुत सारे लोग दूर दूर से आते कस्टमर लेने के लिए। समोसे टिकिया का जो बताया आपने कि बहुत फेमस है आपके पास जी, समोसे टिकिया के अलावा और कौन कौन सी चीज़ें आपके पास? समोसे के टिकिया के अलावा देखिए पकौड़े वगैरह है और स्वीट आइटम ज़्यादा चलता हमारा। स्वीट आइटम में इसमें रमज़ान स्पेशल हमारे पास चिकन आइटम बहुत सारे लगते, क्रिस्पी हो गया, चिकन स्टिक हो गई और क्रीम कांडी हो गई, चीज़ कबाब हो गया और दही बड़े, ढोकला, ये लोग बहुत शौक से खाते लोग। मिठाइयों में स्वीट में आपके पास में कौन कौन सी मिठाई है जो चलन है, मतलब आज मिठाई होगा? यानी कि ज़्यादातर पूरी मिठाई बनती है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास, वर्की समोसा हो गया, गुंदर पाक हो गया और खलाखान मिलके बहुत सारे आइटम बनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये पाकिस्तान स्वीट जो दुकान है आपकी कितने साल पुरानी दुकान है? ये इसको तकरीबन 45 साल हो गए। 45 साल हो गए जी। तो अभी समोसे टिके अगर कोई मतलब 100 वगैरह या 50 लिया तो उसको डिस्काउंट क्या है? डिस्काउंट किसको भी नहीं करते हम लोग, क्योंकि हम लोग क्वालिटी मेंटेन करते और कस्टमर अल्हम्दुलिल्लाह भाव करता भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। आपका पूरा नाम बोल दीजिए और यहाँ का पूरा एड्रेस बता दीजिए। शेख उमर नाम है मेरा और ये बुरहानी स्कूल के अपोजिट मेरी पाकिस्तान स्वीट शॉप है।